आज बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक बार फिर से एकनाथ शिंदे ने स्वयं को बाला साहेब का असली उत्तराधिकारी बताया। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कुछ लोग अंदर से रावण हैं लेकिन राम का मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं। जब मीडिया ने मुख्यमंत्री शिंदे से उद्धव ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा, सुनिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, मैंने अभी कहा है। और राम को, राम मंदिर को जिन्होंने विरोध किया, राम लल्ला के अस्तित्व पे जिसने सवाल खड़ा किया, ऐसे लोगों को राम लल्ला का नाम लेने का अधिकार नहीं। मैं इतना ही कहूंगा कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का सपना नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। करोड़ों राम भक्तों का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। ये सबको सपना लग रहा था, 500 साल का वनवास ये आदरणीय मोदी जी ने खत्म किया और राम लल्ला को अब मंडप में से, कुटिया में से, मंदिर में उनका पुनर्स्थापन किया, उनकी प्राण प्रतिष्ठापना की। ये कल का जो दिन था एक ऐतिहासिक दिन था, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन था।